संभल में ऑल इंडिया बासी वेलफेयर सोसाइटी की बैठक हुई। संपन्न बैठक में सर्वसम्मति से सोसाइटी ने शाजिया खान को बनाया महिला विंग का अध्यक्ष। आगामी समय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति करेगी कोरोना योद्धाओं का सम्मान। संभल नगर के सूरज कुंड मंदिर पर भगवान परशुराम सेना द्वारा प्रधानमंत्री के सेवा सप्ताह के अंतर्गत श्रमदान और परशुराम भवन में चलाया गया सफाई अभियान। मुरादाबाद के थाना कटघर अंतर्गत देर रात अज्ञात चोरों ने मेडिकल स्टोर पर शटर तोड़कर लाखों रुपए का किया हाथ साफ। अखिल भारतीय प्रधान संघ द्वारा घोरावल ब्लॉक परिसर में किया गया धरना प्रदर्शन। ग्राम प्रधानों डीपीआरओ को संबोधित। एडीओ पंचायत आशुतोष श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश उद्यमियों के परिसर की तलाशी लिए जाने को निरस्त कराने की मांग को लेकर आईआईए के सदस्य वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर से मिले और सौंपा ज्ञापन। संभल नगर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की वार्षिक बैठक जिला कार्यालय पर हुई संपन्न। क्षेत्रीय मंत्री मनोज व्यास ने किया बैठक को संबोधित। मेरठ में फूका गया लवजिहाद का पुतला, सीएम योगी आदित्यनाथ से कानून बनाने की मांग। फतेहपुर में दुकान बंद कर कर घर जा रहे सर्राफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। सोने चांदी से भरा बैग लूट कर भागे बदमाश। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 घायल। कुशीनगर में सेल्फी लेते समय नदी में गिरी युवती, पुलिस वालों ने जान पर खेलकर बचाया। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, रेप का है आरोप। कोविड-19 की अनुप्रक्रिया का पालन करते हुए मुरादाबाद के भोजपुर थाना प्रभारी ने बैंकों में मास्क न लगाने वाले उपभोक्ताओं से मास्क लगाने की अपील। अयोध्या में बन रही मस्जिद में नहीं होगा गुंबद और मीनार का आकार होगा चौकोर। परिवार संघ प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले डॉक्टर कफील, कांग्रेस महासचिव को दिया थैंक्स लेटर।